आपका स्वास्थ्य ठीक है यार, बात तो करे। मैंने कल आपको देखा रिपोर्टिंग करते हुए, मुझे थोड़ी मन में सर 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 शामिल, आप ठीक है? हाँ जी सर, ठीक हूँ सर। एक छोटी सी बात, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। आप बताइए जो आज मीटिंग हुई है इसके बारे में। सर मीटिंग के बारे में श्रीमान श्रीमान चंद्र मोहन गुप्ता साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑनरेबल मेयर हैं, और श्रीमती पूर्णिमा शर्मा जी जो डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो संगठन के कार्य में अपना योगदान करना चाहते हैं। श्रीमती पूर्णिमा जी जो डिप्टी मेयर थी, और श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता साहब जो मेयर के नाते से कार्य कर रहे थे, दोनों ने आज सभी कॉर्पोरेटर्स की जो बीच भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं उनसे, उनके बीच में एक रिक्वेस्ट की है कि वो दोनों संगठन के कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं और आने वाले दिनों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद अगला निर्णय पार्टी लेगी। वो एक प्रक्रिया है, उसमें पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स और जो हमारे चुने हुए ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स हैं, इन सब की राय लेंगे, आपस में चर्चा करके अगला निर्णय लिया जाए। वो स्वयं, उन्होंने स्वयं कहा है कि वो संगठन के कार्य में अपना योगदान करना चाहते हैं। देश में नहीं, हमने खुद अपना इच्छा प्रकट की कि हम आने वाले समय में संगठन का काम करना चाहते हैं। संगठन में आज जरूरत है हमारे जैसे लोगों, पहले भी हमने संगठन में बहुत काम किया है। जो मिशन 50 का चल रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत जल्द चुनाव की तरफ आज जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। जो हमारे संगठन ने 50 प्लस का जो एक लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को पार करने के लिए मेरे जैसे और जो लोग हैं, जो संगठन के कर्ता हैं, बड़े संघ से निकले हुए लोग हैं, उनको और आगे आना पड़ेगा, आएंगे आने वाले समय। देखिए काम तो कभी रुकेंगे नहीं, हम जम्मू शहर में ही रहना है, जम्मू छोड़ के बाहर जा नहीं रहे। जो भी अगला हमारा नेता उपनेता आएगा, उनके साथ सहयोग के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे, संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, अभी अभी कल या परसों मीटिंगें होंगी, वो दौर चलेगा, सबकी राय ली जाएगी, उसमें से जो भी नेता उपनेता बनेगा। रश्मि जी, आप मुझे जानते हैं, आप जब भी मुझे मिले या जितने भी मेरे मीडिया के मित्र भाई बहन हैं, जब भी आप आए, जब भी मिले, मैं कभी निराश और नाराज नहीं होता। मैं हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ चलता हूं और आशावादी हूं, और यही मेरे मन में था कि मैं इस मेयर की सीट पर रह के मैं संगठन का काम नहीं कर पा रहा था। मेरा भी एक वार्ड है, छोटा सा पार्षद, मैं पार्षद हूँ वहाँ का, मैं वहाँ नहीं जा सकता था, 6 बूथ है। अब मैं बिल्कुल, मुझे समय मिलेगा, मैं पार्टी का काम भी करूंगा, जहाँ भी और कोई काम होगा। इस सोशल आपको लग रहा था कि इस ओहदे पे आपकी जिम्मेदारियाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है? नहीं, इस ओहदे पे ये मेयर जो है, मैं आपको एक उदाहरण दूँ, अभी मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ हमारे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, वो कहते थे जो पापी होता है वो पार्षद बनता है, पापी है पार्षद बनता है, जो महापौर बनता है महापापी होता है। तो ये अभी मैं वहाँ से लेके आया, तो हमें बहुत चुनौतियाँ हैं, हम उन्हीं का कोई बगावत नहीं हुई। पार्टी हमारी है, बीजेपी है, ये दूसरी पार्टी नहीं है, एनसी कांग्रेस पीडी भी यहाँ वो तय करेगी महबूबा, ये होगा वो, सर्वसम्मति से यहाँ होता है फैसला। ये चलता रहता है, इसमें नहीं वो करना है, आप देखोगे बहुत 2-4 दिन के अंदर हमारे नेता उपनेता मिलेंगे आपको। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, अपना जो रेगनेशन है उन विशेष आपको देंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मीडिया मित्रों के रहा, बहनों के साथ, लड़कियों, मैं देखता हूँ जब यहाँ हमारी लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, उनको नहीं पढ़ाई नहीं करनी, 8वीं 10वीं बाद चलो घर, चलो शादी करो, आज हमारी बहनें भाई नौजवान जो मीडिया में आते हैं, इतना काम कर रही हैं, बड़े बेजिज को, बहुत अच्छा लगता है, जम्मू आगे बढ़ रहा है। हर समय सर मुस्कुराकर ही जवाब दिए, चाहे मीडिया को हो चाहे जनता को, हम हमेशा आपके चेहरे पर स्माइल देखिए, आज भी आपके चेहरे पर।